को सुंदर शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया शरद पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता। शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है, वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है। उसको 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से पाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो कंकु चावल हल्दी मोली से सब तरह से। शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, अगर कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, ये दोनों पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल शरद पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताएं। भी शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा,
क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती है तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, एक रुपया कमा रहे, सवा रुपये खर्च हो रहा, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए। हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ, अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर, उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी की ना। कानी दिखे कहीं किसी को पास, कानी दिखे रहते हैं, उसके लिए भी शरद पूर्णिमा के लिए तुलसी की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो ये डंडी है, ऐसी तुलसी का जो पत्ता होता है, उस पत्ते की जो डंडी होती है, उस डंडी को चंद्रमा को देखा जाता है, उस डंडी की जो कोर होती है उस कोर को दृष्टि से मिलाया जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ठीक 12 बजे आप चंद्रमा की, जैसे चंद्रमा का भाग, उस चंद्रमा के भाग को आप उस डंडी के भाग से निहारने का प्रयास करिए। मारो घर में आइए, घी का दिया लगाइए, उस घी के दीप को लगाने के बाद पूर्णिमा के दिन उस पर एक प्लेट थोड़ी तिरछी कर कर रख दो, जिससे उसकी कालोच काई की उस दीप की, घी के दीप की कालोच उस प्लेट पर आ जाए। थोड़ी सी कालोच ले लीजिए, 5-10 मिनट में आ जाएगी। उसको गाय के घी में मिलाकर आंखों में सुरमा लगाकर रात्रि को सो जाइए। 3 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा का जो चंद्र है वो विशाल का है, और उस चंद्र की पूर्णता में हमारी अभिलाषाएं भी पूर्ण हो। अब पूर्णिमा के व्रत में आपने कई बार किताब पढ़ी होगी पूर्णिमा की, या आपने व्रत किया होगा, या पूर्णिमा का व्रत आप धारण करे होगे, तो उसमें पूजन कौन से भगवान की होती। पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभ लगाकर पूर्णिमा का जो अध्यापन होता है, पूर्णिमा की जो पूजन होती है, उस पूजन में शंकर और पार्वती की पूजन की जाती है। शंकर और पार्वती का पूजन क्यों करा जाता है पूर्णिमा के व्रत में? क्योंकि शिव और माता पार्वती ही केवल एक ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। किसको पूर्ण बनाया है? लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। आपको पहले भी कथा में कहा, एक बार भगवान विष्णु के सामने लक्ष्मी मैया ने बहुत तेज स्वर में कह दिया था, नारायण दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, दुनिया के लोग नारायण नारायण कहते हैं, दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं, पर सत्य मायने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। भगवान विष्णु ने कहा ये तो गलत है लक्ष्मी आपका कहना। एक दिन लक्ष्मी को अहंकार आ गया, अहंकार के संबोधन जब माता लक्ष्मी करने लगी तो भगवान, उसी समय पर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु ने कह दिया, लक्ष्मी तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहती है कि तेरे बिना नहीं रह सकती संसार, मैं तुझे कहता हूं लक्ष्मी तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है, तू पूर्ण कब हो गई? अब देखे माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कह दिया, अपूर्ण कह दिया। हाँ तो क्या सोचना उसके लिए,
इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण हो गई। लक्ष्मी, आज से तू पूर्ण है। गोदी में जब तक संतान नहीं है तो नारी को लोग अपूर्ण समझते हैं, पर माता पार्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को, अपने गोदी के पुत्र को माता ने लक्ष्मी की गोद में देकर लक्ष्मी को पूर्ण बना दिया। वो दिन कौन सा था? यही शरद पूर्णिमा।